प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि आपके सभी का धैर्य बनाए रखने के लिए आपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में अपने मार्क्स बताए हैं विद कैटेगरी के साथ, क्योंकि इससे सभी को पता चल जाएगा कि वास्तव में ही इतने नंबर बन रहे हैं सभी के। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो के नीचे उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स ने क्या यहाँ पर वीडियो देखा है, लेकिन कमेंट्स बहुत कम किए हैं। ठीक है, तो मैं इसी कमेंट्स के आधार पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि कितने कितने मार्क्स बने। आप सभी का यहाँ पे धैर्य बन जाएगा कि वास्तव में कट ऑफ कम जाने वाली है सभी का लगभग है। साथ ही जो कट ऑफ, इसको मैं पूरा बता के मैं आप दिखा के कमेंट्स आपको बता दूंगा कि वास्तव में इतनी आप खुद कह दोगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, प्रियंका जी वर्मा का यहाँ पर कमेंट्स किया है कि इनके 35 ही नंबर है, क्या सही हुए हैं। ठीक है, ये मेन कारण क्या है कि कम नंबर आने का मेन कारण क्या है कि लगभग कंप्यूटर की वेबसाइट जो बहुत स्लो चल रही थी, कईयों के तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और कई जो है लगभग कंप्यूटर में साथ जो लोडिंग यानी साइड बिजी चलने के कारण कईयों के पेपर भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको लेकर के ये नंबर कम बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गजेंद्रा, यहाँ पर गारू, यहाँ पर नंबर है 45। ठीक है, इसके बाद में विक्रम सिंह 26 नंबर बने हैं। ठीक है, और निशा 34, और बनवारी यहाँ पे 39 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर ही आए हैं, हैशटैग वाई शोंग। इसके बाद में सनी यहाँ पे देख लीजिए 31 मार्क्स ही आए हैं, यहाँ पे 36 प्रिया गुज। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे आगे देख लीजिए 31 नंबर राम निवास के, और इसके बाद में दोरिया यहाँ पे देख लीजिए 79 नंबर, बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इसके बाद में 42 रमेश के, और यहाँ पे ममता यहाँ पे देख लीजिए 38 नंबर ही आए हैं, दिनू 60। ठीक है, यानी साथियों बहुत कम यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे देख 52, और इसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए 33% यानी 33 अंक आए हैं एससी कैटेगरी से। सोनू 40, पीयूष 46, कुलदीप 37, और यहाँ पे रवि के 37, और पूजा के 35, कुलदीप के 37, और आकांक्षा के 27, और यहाँ पे लक्की 37। एंड साथ जो लगभग जो स्कोर है 30 के आसपास ही रहे, 37-40 के आप बीच में, यहाँ पे देख लीजिए 27 ही बने हैं सूरज के, और यहाँ पे 30 या 31 के बीच में ही है, और यहाँ पे अच्छा दो जनों के बताएं, एक के 30 है और एक के 31 है। यहाँ पे देख लीजिए शुभम के 35 ही नंबर बने हैं, नानू के 26 ही बने हैं, और प्रीति के 40, प्रकाश के 42। तो बहुत से ऐसे हैं जो लगभग 35 के आसपास का स्कोर है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कपिल के 31 और शोभा के 34, और यहाँ पे देख लीजिए इसके भाई है दुल्ला राम का भाई है 37 ही नंबर बने हैं। यहाँ पे देख लीजिए 48, जेपी 41, बाबूलाल 20 नंबर, और 41 नंबर परवेश के 42 नंबर, इसके बाद में राजकुमार के 38 नंबर, और रवीना के 34 नंबर, सॉरी ये रीट का आ गया, तन्नू के 37 नंबर, दीप के 33 नंबर, आईना के 30 नंबर, जितेंद्रा के 30 नंबर, और यहाँ पे 49 नंबर फैक्स, यहाँ पे गणपत के 48 नंबर,
अनुराग बहुत अच्छा 64 नंबर, हर्षा के 35, राजेश के 28, दीप के 33, परवीन सेन के 25, नानू के 26 और अजय के 26 और राम प्रकाश के 40 और यहाँ पे देख लीजिए 35, फिर 30, 45, 33। तो साथियों आप सभी अनुमान लगा लिया होगा, लगभग साथियों मैंने आप सभी को कहा था कि 35 और 40 के प्रतिशत ही आपकी जो है कट ऑफ रहने वाली। यहाँ पे देख लीजिए 33, 30, 48, 31 और 33। यहाँ पे देख लीजिए 35, 35, 40, 39। तो इसी का अकॉर्डिंग आप सभी देख सकते हो, पंकज के 41 और यहाँ पे देख लीजिए 49, ये रीट का आ गया बीच में, ठीक है। तो आप सभी ने अनुमान लगा ही लिया होगा। यहाँ पे मेरे पास और भी यहाँ पे देख लीजिए कमेंट्स बहुत किए आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। 33, 31, क्योंकि इसी के रिकॉर्डिंग आप सभी का अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप खुद बता सकते हो कि साथियों लगभग है जो दोस्तों 35 से 40 के बीच जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि साथियों कमेंट्स करेंगे उन्हीं के ये इतने नंबर है, कईयों के ने कमेंट्स नहीं किया तो उनका आप अनुमान लगा सकते हो कि उनके नंबर कितने हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 63, 34, 37, 37, यहाँ पे देख लीजिए 31, 34, 33, 51 नंबर बने हैं, 27 बने हैं, 40 बने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 35 बना है, 31 बना है, 40 बना है, ठीक है। प्रीति यहाँ पे प्रीति के दोबारा आ गए, यहाँ पे 41, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों लगभग जो कट ऑफ का स्कोर है मैंने आप सभी को बताया था कि लगभग जो कट ऑफ है वो 35 से 40 के आसपास रहेगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, आपका जो सिलेक्शन है हो जाएगा और उसके बाद में दोस्तों सीटें खाली रहेगी, ठीक है। अगर 35 और 40 के बीच में कट ऑफ आ गए उसके बाद में जो सीटें खाली रहेगी तो लगभग उम्मीद है कि 30 वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, सीटें मिल सकती है। और साथ ही दोस्तों जो आपके होम ज़िले के अंदर कॉलेज आप वहाँ पे डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हो कि कितने सीटें खाली है, तो आपको वहीं पे सीट भी मिल सकती है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके कितने कमेंट्स बने ज़रूर एक बार बताइएगा। थैंक यू, ओके, बाय।